तो दोस्तों देखिए यहाँ पर है जो कि काउंटर है, यहाँ से मिलेगा आपको RFID कार्ड, जिसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी अपने किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट की, उसे यूज करके आप यहाँ से अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। देख सकते हैं आज यहाँ थोड़ी भीड़ है, ये देखिए लगभग 6 से 7 काउंटर है। ये चाहे हो तो आप रेलवे स्टेशन से भी आप इजीली ले सकते हो इसे, वहाँ भीड़ थी, हम इसलिए यहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ पर लगभग 15 मिनट में हमें RFID कार्ड मिल जाएगा। तो अब कार्ड मिलते ही हम आपको दिखाएंगे किस टाइप का वो कार्ड होता है। फ्रेंड्स हमने कार्ड ले लिया है, RFID कार्ड इसी को कहते हैं। कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट दिखा के आपको ये मिल जाएगा। और अब हम जा रहे हैं अपने बाणगंगा चेक पोस्ट की तरफ। हम थोड़ा पैदल रूट पे जा रहे हैं, बाकी यहाँ पे रिक्शा वाले मिल जाते हैं आपको, वहाँ से भी जा सकते हो आप लोग। हम देख रहे हैं कुछ नया एक्सपीरियंस करने की सोच रहे हैं, इस्लाम इधर से आए हैं तो हम लोग कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश करते रहते हैं। हमारे अलावा कोई नया रास्ता दिखाते हैं आगे चल के आपको, बने रहिए वीडियो में। देख सकते हैं कैसी कैसी गलियां बनी हुई है, जैसे नॉर्मल शहरों में होती है वैसी है, बस थोड़ी सी चढ़ाई वाली है, ऊंचा ही दिया है। और घर देखो आप सबके कैसे बने हो बढ़िया मस्त। फ्रेंड्स हम लोग चलते चलते मेन मार्केट में पहुंच गए, सामने देखो मार्केट है, यहाँ से फिर आगे का रास्ता बताएंगे आपको। यहाँ पे हम पूछते जा रहे हैं, अपना बंदों से पूछ रहे हैं भाई कहाँ पे बाड़गंगा चेक पोस्ट, क्योंकि हम गलियों में से निकल रहे हैं ना, बाकी बंदे ओपन बना हुई है सड़क, लगी उस पर धूप थी, तो हमने सोचा गलियों के बीच में से चलते हैं, धूप कम लगेगी और शॉर्टकट भी मिलेगा। हाँ यार अभी से थक रहे हैं हम। यहाँ देख सकते हो मेरे पीछे कितनी मार्केट है, मार्केट ही मार्केट है, प्रसाद ही प्रसाद है यहाँ पे। अभी लगभग 1 चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं अपना बाणगंगा चेक पोस्ट। तो फ्रेंड्स ये देखो व्यू देखो आप, क्या मस्त लग रहा है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो हमें पूरी फुल वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है, जाके देख सकते हैं आपको मिल जाएगी, ट्रेन से लेकर रास्ते से लेकर खाने पीने से लेकर कपड़े से लेकर सब कुछ की जानकारी मिल जाएगा खाने पीने का। तो यात्रा हम शुरू कर रहे हैं, देख सकते हैं महान कर पड़ेगा, पूरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए मुझे लग रहा था हम पहाड़ पे, तो सिर्फ हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ये नीचे ही जाना पड़ रहा है।
कंटेनर देख सकते हो ऊपर पहाड़ वाला कितने मस्त लग रहे हैं। ये घर देखो आप बना हुआ। ये देखो फ्रेंड्स फ्रेंड्स हमने स्लाइस लिया, हमें प्यास लग रही थी यहाँ पे चढ़ते चढ़ते। अभी हम चेक पॉइंट पे पहुंचे नहीं, उससे पहले ही लग रही है हमें। अभी हम जा रहे हैं, पी लेते हैं, थोड़ा एनर्जी बढ़ा देते हैं। चेक पॉइंट पे मिलते हैं आपको सीधा। अब हम कैमरा ले जा सकते हैं, देख सकते हो यहाँ पे ये चेक पॉइंट है। यहाँ पे हम लोग को चेकिंग करवानी होती है अपने पूरे सामान की, और यहीं से स्टार्टिंग होती है अपनी वैष्णो देवी के पास ऊपर जाने की। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, लाइन लगी हुई है, देख सकते हो आप। यहाँ पे ऊपर पहाड़ पे हमें चढ़ना होगा। ये चेक पॉइंट है, पहले इसको कहते हैं अपना बाढ़ गंगा चेक पॉइंट। यहाँ पे आते हैं, चेकिंग होती है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम पूरी आपको दिखाएंगे, फुल इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। देखो यहाँ पे चेकिंग होती है। तो फ्रेंड देख सकते हो चेक पॉइंट से एंट्री करते के साथ में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं बच्चों के लिए, यहाँ पे झूले पालकी मिल जाती है, यहाँ पे घोड़े भी मिल जाते हैं, देख सकते हो खच्चर मिल जाते हैं बच्चों के लिए, और सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। वजन के हिसाब से प्राइस तय होता है। हाँ, वजन के हिसाब से यहाँ पे प्राइस तय होता है। और आगे की तरफ सीधा जाना होता है, मैं देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है तारापुर मार्केट तक जाना था। वहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक नया रास्ता होगा अपना, एक पुराना रास्ता होगा। तो हम आज जाएंगे अपने, हम कौन से रास्ते जाएंगे, नए वाले से पुराने वाले से? हम जाएंगे पुराने वाले से, क्योंकि वो 2 किलोमीटर कम पड़ता है अपना, नए वाला 2 किलोमीटर लंबा है। पुराने वाले पे ना लोग मिलते हैं, नए वाले पे कोई मिलता नहीं है। हाँ, क्योंकि सब लोग पुराने वाले से जाना ज्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि बीच के अंदर देख सकते हैं राजवीरा पीने का पानी ला रहे हैं अभी, और अंकित भाई आगे निकल गए हैं। देख सकते हो यहाँ पे पानी मिल जाता है आपको हर जगह, पहाड़ों का पानी देख सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी आपको, यहाँ पे कुछ सामान ले सकते हो, प्रसाद ले सकते हो आप, और ऊपर भी मिलेगा आपको, वो कोई बात नहीं है, लेकिन आप चाहो तो नीचे से भी ले सकते हो। ये देखो यहाँ पे खच्चर अच्छा है, फ्रेंड्स लंगर का रास्ता यहाँ से पड़ता है अपना, यहाँ से आप जा सकते हो अंदर, और यहीं से चलता अपना ऊपर जाने का रास्ता। ये देखो ये लिखा हुआ है, लंगर का रास्ता यहीं से सीधा। कितना भी हो जाए, ये देखो यहाँ पे आपको पाल के पिट्टू पेड़ बुकिंग होती है। ये देखो यहाँ से आप बुकिंग कर सकते हो इन सब की। ज़ूम करके थोड़ा दिखा दे रहे हैं। देखो दोस्तों वेट के हिसाब से जो कि यहाँ पर होती है, एडल्ट की देख लो यहाँ 25 केजी से जो कम है उनकी देख लो, 100 केजी से ऊपर देख लो।
वेट के हिसाब से यहाँ पे प्राइस फिक्स किए गए हैं, यहाँ पे बुकिंग हो जाती है। चला देख सकते हैं, चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ छोटे भी हैं, बड़े कुछ बड़े भी हैं, पीछे देख सकते हैं आप लोग 3-4 किलोमीटर। क्या बात कर रहे हैं, कितने स्टेप हो गए हमारे? 3-4 हो गए। यहाँ पे देख सकते हो तो पीछे मार्केट है अपना, चल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और इसमें कम से कम 9 से 10 घंटे लग जाते हैं मिनिमम। देखिए यहाँ पे देख सकते हो ऐसे पूरा ऊपर से कवर कर रखा है ताकि धूप ना लगे, बारिश में भी कोई दिक्कत नहीं है। बंदर भी है साइड में, देखो पीछे साइड में यहाँ पे बंदर है, घोड़ा काट लेगा, घोड़े हैं। फ्रेंड्स हम चलते चलते जा रहे थे तो हमें पीछे नजारा एक दिखाई दिया, आप देखिए पीछे, ये देखो ऊपर से झरना गिर रहा है। कछुए, शेर, हाथी, सांप, सब कुछ। अभी वहाँ पे कुछ पब्लिक है नहीं मेरे ख्याल से, ये अभी बंद कर रखा शायद। चलिए अब चलते हैं ऊपर, आपने नज़ारा देख लिया होगा। कच्ची कच्ची बंदर, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पड़ी है चीजें। देख सकते हो यहाँ पे मार्केट भी है साथ के साथ, कुछ भी खाने पीने का आप खा सकते हैं यहाँ पे, सामान ले सकते हैं, फोटो स्टूडियो भी है यहाँ पे, यहाँ पे कैफे भी मिल जाते हैं कुछ। ये देखो यहाँ पे शॉप है, यहाँ पे प्रसाद की, अखरोट की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको स्नान करके ऊपर जाना होता है। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता देखो, यहाँ पे बाथिंग का घाट है, बाण गंगा है, यहाँ पे स्नान करके जाना होता है। ये ऊपर वाला तो पूरा खराब है, गिर सकता है कभी भी। फ्रेंड्स यहाँ पे इसको इस जगह का बाल गंगा नाम इसलिए पड़ा है, यहाँ पे माता जी ने केश धोए थे अपने, मींस बाल धोए थे, तो यहाँ पे ये इस वजह से फेमस है। कहते हैं यहाँ पे स्नान करने के बाद में ही आगे आगे जाया जाता है। जय माता दी फ्रेंड्स, हम बाण गंगा तक पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स, चलते चलते हो यहाँ पे बाथिंग का भी सिस्टम है, आप चाहो तो यहाँ पे आराम से नहा सकते हो, वहाँ पे लेडीज के लिए भी अपना है, यहाँ पे जेंट्स भी नहा सकते हैं अपना, फुल बराबर पानी आता है यहाँ पे, ठीक ठाक पानी आ रहा है, इतना तेज नहीं है यहाँ पे पानी हालांकि, बट हम लोग नहा सकते हैं यहाँ पे, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक बार फिर से फ्रेंड्स जय माता दी, जय माता दी। चलो अब चलते हम लोग ऊपर की तरफ में, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में।
फ्रेंड्स हम लोग शाम होने को आई है, हम लोग पहुंच चुके हैं आधे रास्ते तक। अब नेक्स्ट सफर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें हमारे चैनल को। 2 घंटे से हम सफर कर रहे हैं। कोई बार व्यू देख लीजिए आप यहाँ का, ये देखिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मीन्स नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।